यस मालिक, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी के लिए मैं एक बहुत बड़ा 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 न्यूज लेकर के आया हूँ। सीए फाइनल फ्री क्वेश्चन एंड डिस्कशन फॉर द पर्पज ऑफ मे 21 एज वेल एज नवंबर 21 जो सीए एंड सीएमए स्टूडेंट्स इसे देख सकते हैं। जी हाँ, सी प्रॉब्लम क्या होता है पता है? प्रॉब्लम ये होता है कि प्रोविजंस तो हम लोग कर लेते हैं, और डीटी के वास्नेस के बारे में आई थिंक मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, इंटरनेशनल टैक्स के वास्नेस के बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है ना। द पॉइंट इज, इतने वास्ट सब्जेक्ट्स में हमारा प्रोविजन कवर करते करते इतना टाइम निकल जाता है कि बच्चा जो रियल प्रैक्टिस करना है दैट इज प्रॉब्लम्स उसे नहीं कर पाता। कई बार ऐसा होता है कि वो प्रॉब्लम्स को समझ तो लेता है, उसको पता है कि इसमें करना क्या है, ना प्रेजेंटेशन कर पाता है ना ही उसे सही तरीके से सॉल्व करवाता है, और इसीलिए इस सब्जेक्ट के अंदर में स्कोरिंग्स वो कम कर देता है अपने। प्रोविजन जानते हुए भी, उसमें काम करते हुए भी वो अपने स्कोर कम कर देता है। इसी चीज के लिए हम लोगों ने, आप सभी को पता होगा, डीटी क्वेश्चनेयर निकाला था, यस और नो। जितने बच्चों ने हमारा रेगुलर बुक लिया है, फास्ट ट्रैक कोर्स लिया हुआ है, उन सभी को ये डीटी क्वेश्चनेयर ऑलरेडी आया होगा। इन लोगों को मैंने कहा था ऑलरेडी कि बॉस क्लास के अंदर में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप देखें रेगुलर बैच के अंदर में भी हमने 350 प्लस प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। अब ये क्वेश्चनेयर मैंने रिलीज किया तो मुझे एक और नीड समझ में आया कि बच्चा एंड तक के इस क्वेश्चनेयर को कई बार हाथ ही नहीं लगाता, और उसको ऐसा लगता है कि काश ये क्वेश्चन कोई डिस्कस कर दे हमारे साथ कि कौन सा किस तरीके से आया है, या इस क्वेश्चनेयर में भी क्या क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम से एक दिन पहले ये बता दे तो ज्यादा बेहतर होगा। और इसी के लिए इस बार मैं सभी जो मे 21 नवंबर 21 वाले बच्चे हैं उनके लिए डीटी क्वेश्चनेयर लेकर के आ रहा हूं टोटली फ्री। डीटी क्वेश्चनेयर लेकर के आ रहा हूं टोटली फ्री, जिसके अंदर होगा क्या, मान लीजिए अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं भी है पर आपके पास ये बुक है, आपके पास ये बुक है तो आप ये बुक के थ्रू ये वीडियोस को देख सकते हो, और अराउंड जो इसके अंदर में मोर देन 400 सॉल्व्ड क्वेश्चन हमने कवर किए हैं फॉर द पर्पस ऑफ मे 21 नवंबर 21 एज अपडेटेड बाय फाइनेंस एक्ट 2020 एंड टैक्सेशन एंड अदर रिलैक्सेशन एक्ट 2020 के तहत, उसके आप मेरे साथ प्रॉब्लम एंड आंसर सॉल्व कर सकते हो। क्या करना होगा सबसे पहले बता देता हूं। सबसे पहले जिन जिन बच्चों के पास ये बुक है, जिनने मेरा रेगुलर बैच लिया है या फास्ट ट्रैक बैच लिया है, ऑब्वियसली आपके पास ये बुक होगा तो टेंशन लेने वाली बात ही खत्म हो गई, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो देखना है। जिन जिन के पास ये बुक नहीं है, दे कैन बाय दिस बुक फ्रॉम vsmartacademy.com। vsmartacademy.com पे जाके सीए फाइनल सेक्शन में जाके बुक सेल पे जाना है। बुक सेल में आपको ये बुक मिल जाएगा विद दिस ब्यूटीफुल कवर। यहां पर अगर आप जाएंगे सो आप नीचे जाएं, नीचे जाके परचेज टाइप में आप हार्ड कॉपी सिलेक्ट कर दें, एग्जाम का अटेम्प्ट मई या नवंबर सिलेक्ट कर दें। आपको यहाँ पे 500 रुपीज का एज ऑफ नाउ क्लियर डिस्काउंट अवेलेबल है। शिपिंग मेथड आप देख सकते हो, आपके होम डिलीवरी पे मंगा सकते हो। अगर आप पुणे के पुणे में हो तो आप पुणे सेंटर पे जा सकते हो, अगर आप दिल्ली में हो तो हमारे वी स्मार्ट के दिल्ली सेंटर में जाइए, या वी स्मार्ट के जयपुर सेंटर के अंदर में चले जाइए, वहां जाकर के आप अकॉर्डिंगली ये ले सकते हो। मान लीजिए आप इन तीन सिटीज के अंदर में नहीं रह सकते और आप अपने सिटी के अंदर ये चाहते हो तो वहां पे कोई वी स्मार्ट का सेंटर ढूंढिए, आपके सिटी में भी वी स्मार्ट का सेंटर जरूर होगा, और सेंटर पे कॉल कीजिए और सेंटर पे पूछिए कि क्या विजय सर का सीए फाइनल का क्वेश्चन है अवेलेबल है क्या। इससे होगा क्या कि आपको वहीं के वहीं तुरंत बुक मिल जाएगा, नहीं तो वो आपको मंगा के दे देंगे, हो सकता है आपका डिलीवरी कॉस्ट बच जाए। जो भी मोड होगा आप यहां पे सिलेक्ट कीजिए, मैं तो ये कहूंगा कि अपने सेंटर पे कॉल कीजिए, सेंटर पे कॉल करके पूछिए ताकि आपके डिलीवरी कॉस्ट भी बच जाए अकॉर्डिंगली, क्योंकि वहां पे अवेलेबल होगा तो जल्दी भी मिल जाएगा। एंड आप देख सकते हैं 500 के डिस्काउंट के बाद प्लस होम डिलीवरी चार्जेस इफ एनी, यही आप सेंटर सिलेक्ट करते हो तो होम डिलीवरी के कॉस्ट आपके बच जाएंगे। 600 रुपीज में ये बुक एज ऑफ नाउ आपके लिए अवेलेबल है। ये बुक बस आपको अपने पास ओन करनी है, और साथ साथ में मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन है इसके अंदर में डालने वाला हूं। अब ये कैसे होने वाला है और कौन कौन से टॉपिक हम इसके अंदर में कवर करने वाले हैं ये भी बात मैं आपको बता दूं। तो मैं इसके लिए आपको ओपन करता हूं मेरा क्वेश्चनेयर का इंडेक्स। ये है क्वेश्चनेयर का इंडेक्स, जिसके अंदर आप देख सकते हो सबसे पहले बेसिक्स, पूरे असेसमेंट प्रोसीजर वाले प्रोविजन लाइक असेसमेंट रेक्टिफिकेशन अपील सर्च एंड सीजर, फिर आपके पांचों हेड के क्वेश्चन सैलरी हाउस प्रॉपर्टी पीजीबीपी टैक्सेशन ऑफ फर्म टैक्सेशन ऑफ एओपी टैक्सेशन ऑफ अदर एंटिटीज पूरे के पूरे कवर, इंटरेस्ट टनेज टैक्सेशन मैट बिजनेस ट्रस्ट अमलगमेशन बायबैक एक्सम्पशन से रिलेटेड सारे टॉपिक इसके अंदर कवर किए हुए हैं। साथ ही साथ में इतना ही नहीं, इंटरनेशनल टैक्स के टॉपिक्स भी हमने कवर किए हैं, चाहे वो ट्रांसफर प्राइसिंग हो, डीटीडब्ल्यू हो, ओवरव्यू ऑफ मॉडल टैक्स कन्वेंशन हो, गार के प्रोविजन हो, नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन हो, या इक्वलाइजेशन लेवी बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग वाले प्रोविजन हो। मतलब आप देख सकते हैं क्वेश्चनेयर के अंदर में करीब 38 टॉपिक है जो एक बेहतरीन कंपाइलेशन किया गया है। किस किस का? इसके अंदर हम लोगों ने इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन को कवर किया है, इंस्टीट्यूट द्वारा दिए गए पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन, एमटीपी, आरटीपी, और कुछ बेहतरीन रेफरेंस
बुक्स हम लोगों ने कवर करी हुई है ताकि आपको एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाए। तो ये क्वेश्चन है, एक ऐसी चीज है जो आपको एग्जाम के लिए बहुत तगड़े तरीके से प्रिपेयर कर देगी। प्रोविजन अगर आपको पता है और ये क्वेश्चनेयर अगर आप देख लेते हैं तो आई थिंक यू विल बी रेडी फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन। क्वेश्चनेयर की सबसे अच्छी बात ये होगी कि इसके अंदर में क्वेश्चन जो आए हैं और उसको क्या लिखना है, किस फॉर्मेट में लिखना है, ये आपको बहुत अच्छे से दिया गया है। अब सवाल उठता है कि ये वीडियो हमें कब से मिलने चालू होंगे। ये वीडियो को मैंने रिकॉर्ड कर दिया और डेली जैसे भी हमारे को टाइम मिल जा रहा है, एक हफ्ते के अंदर में एटलीस्ट एक या दो वीडियो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ टॉपिक मैं ये डालूंगा। तो एक एक टॉपिक जितने भी है यहां पे, ये एक एक टॉपिक का वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा। मैं मेरे चैनल पे एज वेल एज वी स्मार्ट के जो मेन चैनल है इसके ऊपर हम लेके इसकी एक प्लेलिस्ट बनाएंगे। इन प्लेलिस्ट में जाकर के आप हमेशा आगे के टॉपिक्स भी देख पाओगे। एक बार ये कंप्लीट होता है तो मेरे से पॉसिबल होता है तो मैं इन वीडियोस को क्लब भी कर दूंगा, बट फॉर द टाइमिंग मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन एंड डिस्कशन आप सभी के लिए डाल रहा हूँ, राइट, विच इज टोटली फ्री। बस आपको आपके पास ये बुक रखनी है सो दैट आप इन क्वेश्चन को कवर कर सके पूरा का पूरा, राइट। अच्छा सर, सर कितने टाइम में ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा? मैं इसे एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि मैं इसे यू नो 15th of मार्च तक के पूरा कर दूं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे टॉपिक इसके अंदर में तब तक के कंप्लीट हो जाएंगे। बट आप एक 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 टॉपिक भी देखना चालू करेंगे तो वो ये मैक्सिमम टाइम मैं आपको बता रहा हूं, उससे पहले ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी। सर एक और बात है, हम लोगों को एक और बात जाननी है कि इन क्वेश्चन को हमें कब पढ़ना बेहतर है, आई मीन कब इसे पढ़ लेना चाहिए। अगर मान लीजिए आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट है और आप जो टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं आप उसके बाद भी इन वीडियोस को देख सकते हैं, क्वेश्चनर सामने रखिए, फटाफट फटाफट हम इसको डिस्कस कर लेंगे। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आपका एक बार फास्ट ट्रैक या रेगुलर बुक जो भी टीचर का जैसा भी आप कंप्लीट कर रहे हैं वो कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद इन क्वेश्चनर डिस्कशन पे आइए। क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं ये पास्ट एग्जाम के होते हैं और इसमें मल्टीपल टॉपिक क्लब होते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपको एक से ज्यादा टॉपिक का नॉलेज लगे जब आप इस चैप्टर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। इन क्वेश्चनर डिस्कशन के अंदर में कुछ क्वेश्चंस जो होंगे ये रिपीटेड फॉर्म के हैं, जैसे 1993 में भी पूछा और बाद में 1997 में पूछा है, तो ऐसे क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस जो हम लोग क्लास में करेंगे, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क भी दूंगा जिसको आप खुद कर लेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा उसके अंदर में भी मैं आपको बता दूंगा कि इसके अंदर में कौन सा टॉपिक कवर है और क्या क्या इसके अंदर में कवरेज होगा। तो ये बहुत बेहतर चीज है आपकी प्रैक्टिस के लिए। सीए फाइनल मई 21 नवंबर 21 या सीएमए अगर आप कर रहे हो तो अकॉर्डिंगली आपको डीटी एंड इंटरनेशनल टैक्स के क्वेश्चनर आ रहे हैं जिसके एक एक वीडियो हम लोग अपलोड कर देंगे। बुक के लिए मैं फिर से आपको एक और बार बता दूं, या तो आप vsmartacademy.com पे जा सकते हो या आपके सिटी के अंदर में या जिस वेबसाइट पे आप देख रहे हो उनको आप एक बार कॉल कीजिए और पूछिए कि क्या ये बुक अवेलेबल है क्या। बाकी वीडियो आपके लिए टोटली फ्री है एज अ पार्ट ऑफ सर्विस, ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्म है, ये हम करेंगे और इस बार हम ये कर रहे हैं। डन सर, इसके अलावा कुछ कहना हो या किसी बारे में कोई जानकारी लेनी हो तो ये मेरा नंबर मैंने यहाँ पे दे रखा है, आप इसके ऊपर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और बाकी की डिटेल्स पूछ सकते हैं इफ एनी। तो क्वेश्चनेयर के लिए रेडी हो जाइए, एक एक वीडियो आएगा और प्लेलिस्ट तक के आपको जाना है। प्लेलिस्ट के अंदर में हम लोग एक एक वीडियो इसमें अपलोड करेंगे। ये वीडियो अगर आपको लग रहा है कि आपके काम का है, आपके किसी दोस्त के काम का है, तो ये वीडियो उन तक के जरूर पहुंचा दीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो जाए और वो भी इस चीज की प्रैक्टिस कर ले। मेरा तो मंत्र इस पॉइंट पे बड़ा सिंपल है, जो करेगा अच्छा रिवीजन वही आएगा फर्स्ट डिवीजन। क्या कह रहा हूं मैं, जो करेगा अच्छा रिवीजन वही आएगा फर्स्ट डिवीजन। तो बस आपको याद रखना है कि प्रैक्टिस मोर, प्रैक्टिस मोर। एग्जांपल के तौर पे अगर बताऊं तो उसेन बोल्ट को अगर देख लीजिए, 8 ओलंपिक जीतने के लिए 188 सेकेंड ही आज तक के भागे हैं, लेकिन इस रनिंग को कंप्लीट करने के लिए, जीतने के लिए करीब 4-4 साल की मेहनत लगती है एक रनिंग के लिए। बस वही चीज करनी है, प्रैक्टिस मोर अचीव मोर। थैंक यू सो मच, मिलता हूं आपसे क्वेश्चन एयर में।